father name is Ravi Shankar Tiwari, and the profession is business. My profession is ICS International Life Insurance. नाम बताइए बताइए कि क्या माय नेम इज रेवाजीत सर। ओके, और ऑडिशन देने आई हैं आप मिस्टर मिस्टर अभिषेक सर और सोनी मैम, ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं कहना चाहूँगी कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है डांस करने के लिए। okay. और मेरा डांस फेवरेट है। हाँ, मेरा नाम जॉस अग्रवाल है, मैं जम्मू से हूँ और मैं मुंबई में पिछले एक साल से हूँ। आई थिंक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लाइक जो मॉडलिंग में आना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उनको यू नो अपने आप को दिखा सकते हैं और आगे जा सकते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म मिलते रहना चाहिए। हाय, आई एम हनी
मैं झांसी से हूँ एंड मैं यहाँ पे मतलब एक्टिंग के लिए आया था। देन मुझे मॉडलिंग का मालूम पड़ा कि लाइक यहाँ पे मॉडलिंग चल रहा है, तो यहाँ पे मॉडलिंग का ऑडिशन देने आया हूँ। तो इस कंपटीशन के बारे में और सोनी जी और अभिषेक जी को मौका दे रहे हैं आपको इस कंपटीशन के लिए जी। मैं बस यही बोलूँगा कि मतलब मॉडलिंग के लिए अच्छा है ये, एक मतलब मेरे लिए एक रास्ता है मतलब एक्टिंग लाइन में जाने के लिए कि लाइक यहाँ से जब मैं लाइक मतलब अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो लाइक MTV लव स्कूल पर जाने का मौका मिलेगा इससे, लाइक इसलिए ट्राई कर रहे हैं। माई नेम इज़ अफजान खान, आई एम फ्रॉम मुंबई। सो मैं यहाँ पे ऑडिशन देने आया हूँ मॉडलिंग का। इससे पहले मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने ऐड कर चुका हूँ एंड मॉडलिंग लाइन में भी मैं था। सो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मॉडलिंग के लिए डाल रहे हैं, चांस दे रहे हैं बच्चों को मतलब बड़ों को, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लाइक करते रहना चाहिए, ऐसी सपोर्ट रहेगा तो सब आगे बढ़ेगा। और मेरा तो पहले से पैशन ही है एक्टिंग करना एंड ऑल, सो आई एम डन। यस, माई नेम इज़ अहमद शेख एंड माई पैशन इज डूइंग मॉडलिंग। एंड मुझे जब पता लगा कि सोनी जी और अभिषेक जी ने ये रखे तो मैं फ़ौरन मोबिन भाई से कॉन्टेक्ट करके मैं फ़ौरन अपना रजिस्टर करा, और ये मुझे अच्छा लगता है मॉडलिंग करना, इसलिए मैंने सोचा मैं मॉडलिंग करूँ और मैं आगे बढ़ूँ। ओके, सो मेरा नाम मुबीन जरीवाला है। सो मैं हूँ मुंबई से। सो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ मॉडलिंग होती है। तो मेरा मतलब मैं पहले से एक्टिंग कर चुका हूँ CID VID में, तो मुझे भी मतलब चांस चाहिए MTV पे जाने का। सो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाई, आई एम मिसेस करोबी फ्रॉम असम। एक्चुअली मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है हाउस वाइफ के लिए, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। एक्चुअली ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हाउस वाइफ के लिए, क्योंकि मिसेस इंडिया कॉम्पिटिशन है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। हाय, आई एम विनय गुप्ता फ्रॉम इलाहाबाद। मैं पहले एक्टिंग भी कर चुका हूँ, बट अभी मॉडलिंग के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो कंपटीशन के बारे में कैसा हेल्प आउट करेगा और सोनी जी ने और अभिषेक ने मौका दिया आपको, क्या कहना चाहिए इस बारे में? उन्होंने मौका दिया इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू, और हम भी चाहेंगे कि उनके लिए सब कुछ करके दिखाएँ। हाय, मेरा नाम मनीष टेप है, मैं मुंबई मानकुर से हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं अटेंड कर रहा हूँ। और थैंक यू फॉर सर कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मैं ऐश्वर्या काते और मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैंने पेजेस देखे हैं MFDF के, इट्स ग्रोइंग, सो आई थॉट इट्स अ नाइस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। जम्मू में ही तो अगर हम लोग नहीं करेंगे
स्थिति अलग है, तो बस उसके लिए मेहनत होगी तो आगे जाना कन्फर्म है। मॉडलिंग के अलावा और कोई स्किल्स? मॉडलिंग के अलावा लाइक एक्टिंग एंड डांसिंग में थोड़ा बहुत। जॉर्ज, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको आज रात को कॉल आएगा। इट कैन बी लेट नाइट, हो सकता है 2-3 बजे भी आए। वी विल कॉल यू ओनली वंस। इफ यू पिक इट अप, गुड फॉर यू। इफ नॉट, इट कैन बी गुड फॉर समवन एल्स। ओके, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स जो आपके साथ आए ऑडिशन के लिए? ऑल द वेरी बेस्ट। You have a good light. Your walk was also nice.
can go ahead in this field. Okay, thank you. Fine. Anil, if you get shortlisted, you'll get a call tonight. It can be late night and we will call you only once. It can come like around 2 or 3 also at night. Okay. Yes. 9 o'clock to 3 o'clock the calling process. Kabhi bhi aa sakta hai. What is my WhatsApp time? Okay, fine. That's good. If you get shortlisted, then you will get called. So I wish you all the very best and thank you. Thank you. मॉर्निंग में मैं प्रिपेयर करके थोड़ा बहुत डिलीवरी कर देता हूँ।
एटलीस्ट इन माय सिटी मुझे भी काफ़ी लोग जानते हैं. सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट जब मैं शॉप डालू तो बहुत कस्टमर्स स्टार्टिंग से मेरे पास मिलेंगे. अच्छा
3 साल हो गए मुंबई में। तीन साल में आप मतलब आपने कहा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्या रीज़न है उसके पीछे? रीज़न आई डोंट नो एक्चुअली, काम मिला ही नहीं। रीज़न
सेवन हो रहा है जिसका मुंबई ऑडिशन है आज. जैसे कि आपने कहा मैरिड अनमैरिड, सो काफ़ी सारी लड़कियां जब अनमैरिड होती हैं और कभी मॉडलिंग नहीं कर पाती, बट देन हमने काफ़ी लेडीज़ देखी हैं जो मैरिड होने के बाद उनके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव होते हैं एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन आर इवेंट. सो इसलिए उन लोगों के लिए भी हमने एक टाइटल मिसेज इंडिया करके ऐड किया है, ताकि जब वो अनमैरिड थी उनकी जो विश थी वो मैरिज के बाद पूरी हो जाए एंड दे ऑल्सो हैव अ टाइटल और जिसके थ्रू उनका नाम हो वो आगे काम कर सके. 2019 से 2 जनवरी को मेगा इवेंट होने वाला, उसमें सेलिब्रिटी गेस्ट भी बोला है, काफी सारे आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप कि हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो हमसे भी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे फॉर श्योर, क्योंकि सभी लोगों को मतलब सेलिब्रिटीज से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना पसंद होता है और हमने वो सेलिब्रिटीज़ बुलाए हैं जो सेल्फ मेड हैं, तो वो उनको इंस्पायर करेंगे, उनके इंस्पिरेशन से हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो भी आगे बढ़ेंगे और उन्हें भी उन्हीं की तरह एक दिन सेलिब्रिटी बनने का मौका मिलेगा. और इन कंटेस्टेंट के बारे में बताइए, या जो विनर्स होंगे या जो मतलब सेकंड रनर्स होंगे उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग? जो विनर्स होंगे उनको हम लोग 5 डेज ट्रिप टू गोवा हम प्रोवाइड कर रहे हैं विद सेलिब्रिटीज़. दूसरी चीज़, ब्रांड एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब वो हमारे ब्रांड के एम्बेसडर मतलब ब्रांड को रिप्रेजेंट करेंगे पूरे इंडिया में, उनकी पब्लिसाइज किया जाएगा, उनकी पब्लिसिटी की जाएगी एंड जूरी मेंबर कॉन्ट्रैक्ट रहता है उनके लिए, मतलब वो सीज़न 7 के अगर विनर होते हैं तो सीज़न 8 में उन्हें एज अ जूरी एज अ जज बुलाया जाता है. आज का ऑडिशन क्या कहना चाहूँगा कि काफ़ी एंथुजियाज्म दिखा कंटेस्टेंट्स में, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार के ऑडिशन को लेकर, कितने एंथुजियास्टिक हैं कंटेस्टेंट्स? एक्चुअली ये जो MFDF है इसके अभी इस लास्ट सीजन में हम लोगों ने 11 सिटीज़ में ऑडिशन किए थे, इस बार 21 सिटीज़ में किया है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक साउथ इंडिया,
नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया भी स्टार्ट किया कवर करना, जिसमें गुजरात हो चुका है। आज महाराष्ट्र के पहले ऑडिशन है जो कि मुंबई ऑडिशन है, और अभी तक कम से कम 200 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था और 100 बच्चे अभी तक ऑडिशंस दे चुके हैं, एंड बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। एंड ये सब MFDF के इंस्टीट्यूट के ऑफिस में ही हुआ है, रिलायबल बिजनेस सेंटर में। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप गाइड और मेंटर करते हैं जो कंटेस्टेंट रहते हैं या जो भी पार्टिसिपेंट रहते हैं उसको आगे अपने फ्यूचर के लिए? एक्चुअली हम लोग ऐसे नहीं करते कि बाकी शोज़ की तरह कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले लो पहले 3,000 रुपये, उसके बाद आप बाद में लकीनो 1-1.5 लाख रुपये ग्रूमिंग फ़ीस दो। अभी बहुत सारे मीडिया वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए, हम ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं जो लोकलाइट से मुंबई के, उनसे फ़ीस बस उतनी फ़ीस में हम लोग वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो दूसरे लोग 1,00,000 रुपये में करते हैं। अब जैसे कि अपने सेलिब्रिटीज़ है, अरमान ताहिल जी है और सुरेंदर जी है बॉलीवुड एक्टर, और केतकी जी है, जय बोरस है MTV से, और इस बार के जो हमारे एंकर है जो मेन शो के एंकर वो पवनीत सिंह है जो कि रोडीज़ के फाइनलिस्ट रह चुके हैं, एंड हम लोगों ने अभी कास्टिंग भी की है MTV एलिवेटर पिंच में जसमीत और मुश्तबा की, एंड चंद्रेश दिलवर की डांस दीवाने, और ये सारी कास्टिंग हम लोगों ने फ्री में की है, 1 रुपये तक चार्ज नहीं किया, और हम लोग आगे भी ऐसे करते रहेंगे हमारे बच्चों को प्रमोट। लास्टली पूछना चाहूंगा कि इतना सक्सेसफुल रहा है ये पास में आपका MFDF, आगे क्या विजन है, किस तरह से इसको और भी लार्जर एक ब्रांड क्रिएट करना चाहेंगे पूरा इंडिया या पूरे वर्ल्ड वाइड? अभी हम लोग इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की सोच रहे हैं, जो कि थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे इसको और एक बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, और हम लोग जितना चाहे उतना मतलब जितना आगे बढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। ये बात तो सही बोला आपने, बहुत रहते हैं ना, अभी एक दलजीत नाम की बनी वो, हे भगवान डर आ रहे हो यार, क्या गिरा गिरा नहीं वो बज रहा है।